बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 22nd लेक्चर ऑफ कोर्स टाइटल इंट्रोडक्शन टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद द कोर्स कोड PHYS4135। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद आजम। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द इनवेरियंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इनफैक्ट For the last three lectures, we are discussing the features of electromagnetic field tensor. We develop the matrix form of electromagnetic field tensor, and then use this electromagnetic field tensor to write the Maxwell equations in covariance form. And in the last lecture, we transform the electromagnetic components, that is E1, E2, E3 and H1, H2, H3 from one frame of reference to another frame of reference with the help of electromagnetic field tensor. Here basically we want to find the invariants. Normally invariants is a word which we use for a quantity or object which remains same during the transformation from one frame of reference to another frame of reference. Therefore, here we define it as an invariant quantity is that which has the same value in all frames of reference. इससे related हमने काफी questions भी किए, इसके अलावा हमने शो भी किया कि मिनकॉस की स्पेस टाइम जो है वो इनवेरियंट रहती है, या इसके पैरेलल हम जो एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ कोवेरियंस। नॉर्मली हमने जो ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं, वन इज एस एंड अदर इज एस डैश, where S dash is moving with uniform velocity along the x-axis. और फिर हम observe करते हैं कोई भी object या quantity को जो frame S dash में है या frame S में है, और ये देखते हैं कि उसका behavior क्या दोनों frame में same है। अगर दोनों frames के according observer को वो same नज़र आता है या वो quantity same रहती है, तो फिर हम उस क्वांटिटी को इनवेरियंट्स कहते हैं या कोवेरियंस कहते हैं। इनवेरियंट्स आर ऑफ वेरी इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। देयरफॉर वी से इनवेरियंट्स आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव नेचर, and it is therefore always instructive to discover invariance quantity. Physical significance की बात जब हम करते हैं तो ऐसी quantities बड़ी important होती हैं जो invariants होती हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था कि Maxwell equations जो हैं they are already invariants under Laurent transformation, because sometime हमें इनवेरियंस शो करने के लिए हमें उन क्वांटिटीज को मॉडिफाई करना पड़ता है। और एक जनरल बात जो हम कंसीडर करते हैं वो ये है कि जो भी क्वांटिटी टेंसर फॉर्म में लिखी जाती है वो इनवेरियंस कहलाती है। इसीलिए हमने टेंसर फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को लिखा, और फिर उसके बाद हमने उसको यूज़ भी किया मैक्सवेल इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करने में। सो अब आज के लेक्चर में हम ये वो क्वांटिटी है h²-e², इसको हम शो करेंगे कि दिस क्वांटिटी इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। अगर टाइटल देखें तो दिस इज इनवेरिएंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की हम इनवेरिएंस देखना चाह रहे हैं, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। एक और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो जैसे हमने वेलोसिटी या फोर वेलोसिटी हमने डिफाइन की थी, तो उसको हमने उसकी मैग्नीट्यूड ली थी v², और वो हमारे पास c² के इक्वल आया था। तो ऐसी क्वांटिटी जो कांस्टेंट होती है वो
उसके बारे में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि दैट क्वांटिटी इज इनवेरिएंट, बिकॉज जो स्केलर क्वांटिटी है, जो कांस्टेंट है, उसके ऊपर इफेक्ट्स तो होते नहीं अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर उसने हमेशा सेम रहना है अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये एक बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर होगी वो ऑलवेज एक इनवेरिएंट होगी या इनवेरियंस रहेगी, या उसको हम कह सकते हैं वो कोवेरियंस है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्केलर फॉर्म अब हम इसकी बनाएंगे यहाँ पे। जब एच स्केयर की बात कर रहे हैं, तो चूंकि एच कंपोनेंट्स फॉर्म में था, तो ये एक मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। तो जब ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, तो ऑब्वियसली हम इसको प्रूव कर सकेंगे कि ये इनवेरियंस है। और सेकंड, चूंकि हम इसके बात करना चाह रहे हैं, इसके फील्ड टेंसर को प्रूव करना चाह रहे हैं, सो वी कंसिडर द एफ म्यू न्यू, दिस इज फोर टेंसर, और इसके स्केलर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने वेलोसिटी के स्केलर प्रोडक्ट की बात की, वी स्क्वेयर, तो वो बेसिकली सी स्क्वेयर के इक्वल आता था, और सी स्क्वेयर को हमने कहा था कॉन्स्टेंट है, जिसकी वजह से वो इनवेरियंट है। तो अगर हमें इनवेरियंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें ये क्वांटिटी निकालनी है, और इसका मतलब ये है कि एफ म्यू न्यू का स्केलर प्रोडक्ट ले लें और आप उसको ये शो कर दें कि वो इनवेरियंट क्वांटिटी है। सो लेट्स टेक द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ म्यू न्यू। स्केलर प्रोडक्ट मीन ये अपने आप से ही इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी। लाइक अगर आप ये देखें, तो एफ म्यू न्यू को हमने एफ म्यू न्यू से ही मल्टीप्लाई किया, या इसका हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया। अब एक और टेंसर फॉर्म में स्केलर कैसे होता है कि जब तमाम इंडिसेस जो हैं वो कॉन्टेक्ट हो जाएं, तो वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली स्केलर बन जाती है। अब अगर हम इसके कोई और इंडिसेस यहाँ पे यूज़ कर लेते, तो देन सपोज हम यहाँ पे सिग्मा ले लेते, तो म्यू म्यू तो कॉन्टेक्ट हो जाना था, बट स्टिल आपके पास सिग्मा न्यू रह जाता, तो वो अगेन एक टेंसर फॉर्म में थी, वो स्केलर नहीं बनना था। स्केलर का मतलब ये कि तमाम इंडिसेस उस एक्सप्रेशन के अंदर कैंसिल आउट होने चाहिए। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास एक स्केलर बनेगा, और यू कैन से दिस कैन बी रिटन एज एफ स्क्वेयर। अच्छा, अब इसको अगर एक्सपेंड करें, तो ऑब्वियसली जब दो इंडिसेस होते हैं, तो एक वक्त में एक को ही वेरिएशन दी जाती है। अगर तीन है, तो तब भी एक वक्त में एक को फिक्स करके, दो को फिक्स करके एक को वेरिएशन दी जाएगी। फिर जब उसकी वेरिएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर सेकंड को वेरिएशन दी जाएगी फर्स्ट को फिक्स रख, और फिर इस तरीके से फिर फर्स्ट को वेरिएशन दी जा सकती है। सो अब हम इसको लिख सकते हैं, जब म्यू वन होगा तो ये लिखा जाएगा एफ वन न्यू, एफ वन न्यू, जब न्यू म्यू टू होगा तो एफ टू न्यू, एफ टू न्यू, सिमिलरली प्लस एफ थ्री न्यू और प्लस एफ फोर न्यू टू एफ फोर न्यू। तो ये लिखा जा सकता है, स्क्वेयर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा, बिकॉज ये टेंसर है, और हम ये जानते हैं कि टेंसर जो होता है कभी भी स्क्वेयर फॉर्म में लिखा जाता है। हाँ, अब अलग अलग जब हम इनकी क्वांटिटीज लेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे, तो जब ये टेंसर से निकल के यूजुअल नोटेशन में लिखा जाएगा, तो फिर ये स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम अगर पहली टर्म को कंसिडर करें, तो एफ वन न्यू को लिखा जा सकता है एफ वन वन स्क्वेयर प्लस एफ वन टू स्क्वेयर प्लस एफ वन थ्री स्क्वेयर प्लस एफ वन फोर स्क्वेयर। अब बिकॉज ये वन तो फिक्स था, न्यू ने वेरी करना है, न्यू वन भी हो सकता है, न्यू टू भी हो सकता है, न्यू थ्री भी हो सकता है, और न्यू फोर भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो मिलेंगे वो एफ वन 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 स्क्वेयर प्लस एफ वन टू स्क्वेयर प्लस एफ वन थ्री स्क्वेयर प्लस एफ वन फोर स्क्वेयर। अब इनकी वैल्यूज पता है हमारे पास, थ्रू हम इसको लिख सकते हैं फील्ड टेंसर, और फील्ड टेंसर क्या है हमारे पास वो हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। फील्ड टेंसर तो ये देखिए, हमारे पास एफ वन वन था, एफ वन टू था, एफ वन थ्री था, एफ वन फोर था। तो एफ वन वन का स्क्वेयर 0 रहेगा, एफ वन टू का स्क्वेयर एच थ्री स्क्वेयर आ जाएगा, एफ वन थ्री का स्क्वेयर एच टू स्क्वेयर हो जाएगा, और एफ वन फोर का स्क्वेयर क्या होगा, ये ऑब्वियसली माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये अयोटा का जब स्क्वेयर होगा तो ये अगेन माइनस में आ जाएगा, इसीलिए ये लिखा जाएगा एच थ्री स्क्वेयर प्लस एच टू स्क्वेयर माइनस ई वन स्क्वेयर। तो ये देखें आपके पास अब
ये उसकी वैल्यू बन गई है जब हमने फील्ड टेंसर से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो आपके पास f1 न्यू की वैल्यू बेसिकली आ गई h3² + h2² - e1² रिमेंबर ये थ्री इंडेक्स हैं इसके, e1 ये ऊपर स्क्वेयर हैं। अच्छा अब ये तो हमने एक की वैल्यू ऐसे फाइंड की, ऐसे अब हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे f2 न्यू। तो अगेन आप इनकी जब वेरिएशन देंगे न्यू की, तो न्यू वन भी होगा, न्यू टू भी होगा, न्यू थ्री भी, न्यू फोर। तो ये f2 न्यू कैसे होगा, f21² f22² प्लस f23² प्लस f24². तो जब उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी h1² प्लस, अब ये देखें ये हमारे पास वैल्यूज हैं उसकी, ये है h21² h22² तो है ही जीरो, h23² आ जाएगा और h24² आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये इक्वेशन थ्री बन जाएगी। इसी तरीके से जैसे हमने वन और टू निकाली है, ऐसे इक्वेशंस टू और थ्री निकाली, ऐसी इक्वेशन फोर और फाइव बन सकती हैं फॉर f3 न्यू के लिए और f4 न्यू के लिए। अच्छा अब ये देखें हमने इक्वेशन टू थ्री और फोर और फाइव जो है वो डेवलप कर ली, इन इक्वेशंस को अगर हम इक्वेशन वन में इंसर्ट करें यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी h3² + h2² - e1² की वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर देंगे, और सिमिलरली ये आ जाएगी f2 2 h1² + h3² - e2² और इसी तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी h2² + h1² - e3। तो अगर आप गौर करें तो लास्ट जो टर्म्स हैं ये सारी माइनस में, -e1² - e2² - e3² और ये सारी टर्म्स प्लस में है, इसका मतलब कैंसिल आउट तो कहीं पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपने सारा सम में इसको डालना है, ये टू टाइम्स हो जाएंगे इनफैक्ट सारी, यहाँ पे h1² ये एक है, h1² ये टू टाइम्स हो जाएगा, ऐसे ये h2² है तो पिछली स्लाइड पे भी देखें h2² है ये भी टू टाइम हो जाएगा, और ऐसे ही ये h3² है यहाँ पे भी h3² है तो ये भी टू टाइम, और ये जो ये वाली टर्म्स भी देखें तो आप ये टू टर्म्स में e2² इस तरीके से ये e3² और e3² आपका ये मिल जाएगा, और सिमिलरली e1² जो है वो e1² सो अब जब आप सारी टर्म्स तो यहाँ पे डालेंगे तो ये सारा टू टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 h1² + h2² + h3² - 2 e1² + h2² + h3². अच्छा अब ये सारे जो हैं वो एक तरीके से ये मैग्नीट्यूड हैं आपके कंपोनेंट्स के, h1 कंपोनेंट का, h2 कंपोनेंट का और h3 कंपोनेंट, या आप ये कह लें कि ये आपके पास जैसे xi + yj + zk होता है तो उसका जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो स्क्वेयर की शेप में आ जाता है। सो इस सारे को सम करके आप लिख सकते हैं एज h2, और इसको हम बोल्ड कर सकते हैं ताकि ये हमारे पास शो करे कि इसके अंदर ये हमने इसको इससे डिफरेंट करने के लिए हमने इसको बोल्ड फॉर्म में लिखा। बोल्ड फॉर्म का मतलब वही है, इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं h1 h2 h3, और सिमिलरली इसके अंदर जो है वो e1 e2 और e3 है। अब आप इनका अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये h1 h2 h3 comma, फिर ये h1 h2 h3, जब ये दोबारा आपस में इनका जब प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास दोबारा से यही आ जाएगा h1² + h2² + h3² और सिमिलरली ये आ जाएगा। सो ये अब वो क्वांटिटी है जो हमने शुरू में कहा था कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर जो है वो इनवेरियंट्स है, ये उसके इनवेरियंट्स क्या हैं, आप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द इनवेरियंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, तो इनवेरियंट्स ये है इसका, ये क्वांटिटी है h2 - e2 इज द इनवेरियंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। सो इस तरीके से ये कंजेक्टिव फोर्थ लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए, और आज के लेक्चर में हमने जो प्रूफ किया है वो इनवेरियंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर
हमने प्रूव किया है कि कौन सी क्वांटिटी है जो इनवेरिएंट रहती है, और वो एस स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर इज अ क्वांटिटी विच रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन आर फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नेक्स्ट के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक और प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की, और उसको यूज करते हुए वी विल फाइंड द लॉरेंट्स फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच।